नमस्कार। आज हम हिंदी विषय में कक्षा 6 की बसंत पुस्तिका का पहला पाठ पढ़ेंगे, जो कविता है और कविता का शीर्षक है वह चिड़िया जो। इसके कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल। कवि क्या कह रहे हैं इस कविता को पढ़ने पे पता लगेगा हमें। वह चिड़िया जो चोंच मार कर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूं, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। तो देखिए चिड़िया के लिए क्या कहा है, चिड़िया दूध भरे जुंडी के दाने, चोंच मारकर अनाज की बालियों वाले दाने खा करके संतोष कर लेती है और आनंद से उसे खा लेती है। वह संतोषी चिड़िया जो नीले पंखों वाली है उसे अन्न से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़ी वन बाबा की खातिर रस उंडेल कर गा लेती है, वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूं, मुझे विजन से प्यार है। चिड़िया वन बाबा के लिए, वन के लिए जो कि बहुत पुराना है और घना है, वहां पर अपनत्व की भावना देखते हुए कंठ खोल के खुले मन से गा लेती है और आनंदित हो जाती है और सबको आनंदित कर लेती है। वह छोटी सी चिड़िया सब में अपनापन देखती है, ऐसी नीले पंखों वाली चिड़िया, उसे सभी से प्यार है क्योंकि वह मीठा बोलती है, सबसे मीठा बोल करके सबको अपना बना लेती है। वह चिड़िया जो चोंच मार कर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्बीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूं, मुझे नदी से बहुत प्यार है। अब चिड़िया की साहसीपन का इन पंक्तियों में बताया है कि चिड़िया क्या सोच करके जाती है, उफनती नदी, चढ़ी नदी का दिल टटोल कर उफनती हुई नदी के बीच में वो जानती है कि यहां पर खतरा है, लेकिन फिर भी बीचों बीच जाकर के मोती जैसा जल, जल की मोती जैसी बूंदी ग्रहण कर लेती है और आगे बढ़ जाती है और अपने आप को एक हिम्मत और साहस से गर्व से महसूस करती है। वह नीले पंखों वाली चिड़िया कहती है मुझे नदी से प्यार है, वो नदी से प्यार करती है अर्थात सभी से प्यार करती है। तो इस कविता में कवि केदारनाथ अग्रवाल ने चिड़िया के माध्यम से हमें प्रेरणा दी है, मनुष्य के गुणों के बारे में बताया है कि जिस प्रकार ये चिड़िया संतोषी है, जो मिला उसने संतोष कर लिया और सबको मीठा बोल करके अपना बना लेती है। तीसरी पंक्ति में बताया कि हिम्मत से जो उफनती नदी होती है, खतरा मोल लेकर के जिस प्रकार से चिड़िया आगे जाती है और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेती है, निडर होकर के रहती है, ऐसे मनुष्य को भी आत्मविश्वास से आगे बढ़ना और साहस से अपने जीवन को, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना की प्रेरणा हमें देते हैं। धन्यवाद।